हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको DIY डिज़ाइनर साइड स्लिट कुर्ती बनाना बताऊंगी। लेकिन उससे पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। ये मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है। फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट की लेंथ मैं 15 इंच रखूँगी और शोल्डर में 7.5 इंच रखूंगी। आर्म होल की लेंथ में 7 इंच रखूंगी और यहाँ से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। चेस्ट हमारी जो भी हो उसे डिवाइड बाय 4 करके उसमें 2 इंच ऐड कर देना है। सिलाई के लिए मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है और सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। बैक आर्म होल के लिए हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और फ्रंट आर्म होल के लिए हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। यहाँ से हम कमर की चौड़ाई का 1/4 भाग लेंगे और उसमें भी 2 इंच ऐड कर देंगे। सिलाई के लिए मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है और सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। साइड से भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। गले की चौड़ाई में 4.5 इंच रखूँगी। और आगे की गले की लंबाई में 4 इंच रखूंगी और पीछे की गले की लंबाई में 2 इंच रखूंगी। और यहाँ से हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक नेक पे। सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल की कटिंग कर देंगे और इसमें से एक पार्ट को निकाल देंगे। और इसे हमें वापस से डबल फोल्ड करना है और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। ये मेरे 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। ये मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट को हमें ऊपर की साइड से रख देना है और निशान लगा देना है। 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। इसकी लंबाई मैंने 30 इंच रखी है और नीचे से इसकी चौड़ाई में 20 इंच रखूँगी। और ऊपर से नीचे तक इस लाइन को हमें एक्सटेंड कर देना है। नीचे से हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे बॉटम पार्ट के लिए। अभी इसे हम कट कर देंगे। ये मैंने इसकी कटिंग कर दी है और फ्रंट पार्ट में हम सेंटर में कट लगा देंगे। ये मैंने तिरछी पट्टी कट की हुई है। इसे हमारे नेक पर रखते हुए हमें इसे अटैच कर देना है और इसे सिलाई लगा डबल फोल्ड करके सिलाई लगाते हुए अंदर की साइड मोड़ देना है। फ्रंट और बैक में हमें इसी तरह से तिरछी पट्टी अटैच कर देनी है और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड मोड़ देंगे। इसी तरह से हमें दोनों साइड से तिरछी पट्टी अटैच कर देनी है। ये मैंने इसमें तिरछी पट्टी अटैच कर दी है और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड मोड़ दिया है फ्रंट और बैक में। ये मैंने एक डोरी रेडी की हुई है। इसके हम 2 इंच के छोटे छोटे पीस कट करेंगे। इसके हम लूप्स बनाएंगे। राइट साइड से एक साइड से हमें 1-1 इंच पर निशान लगा देना है नीचे तक। इसमें हम लूप्स अटैच करेंगे। 1-1 इंच पर हमें निशान लगा देना है।
और जो हमने 2 इंच के डोरी के पीस कट किए थे उसे इस तरह से रखते हुए हमें नीचे तक सिलाई लगा देनी है। सारे लूप्स को हमें इस तरह से रखते हुए इसमें अटैच कर देंगे, जो हमने निशान लगाया था 1-1 इंच कर उसके ऊपर हमें इसे रखना है और सिलाई लगा देनी है। ये मैंने इसमें लूप्स अटैच कर दिए हैं और ये मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी कट की हुई है, इसे ऊपर की साइड से मोड़ते हुए हम इसमें सिलाई लगा देंगे नीचे तक और इसकी बॉर्डर को डबल बॉर्डर को फोल्ड करते हुए इस पट्टी को हम अंदर की साइड मोड़ देंगे तो ये हमारे लूप्स बाहर की साइड आ जाएंगे। पट्टी को हमें ऊपर की साइड रखते हुए सिलाई लगा देनी है और इसे अंदर की साइड मोड़ देना है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से पट्टी अटैच करेंगे, ऊपर से फोल्ड करते हुए हमें नीचे तक इसे सिलाई लगा देनी है और इसकी बॉर्डर को फोल्ड करके हम आधी पट्टी को अंदर की साइड मोड़ देंगे और आधी पट्टी को हमें बाहर की साइड रखना है। आधी पट्टी को हम बाहर की साइड रखेंगे। ये मैंने इसमें पट्टी अटैच कर दी है दोनों साइड से और जो हमने आधी पट्टी बाहर की साइड रखी है उसके ऊपर हमें लूप्स वाली पट्टी को रखते हुए ऊपर से सिलाई लगा देनी है। इसमें हम बाद में बटन्स अटैच करेंगे। राइट पार्ट के ऊपर रॉन्ग पार्ट को रखते हुए हमें इसके शोल्डर जॉइंट कर देने हैं। राइट पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है और इसके शोल्डर जॉइंट कर देने हैं। ये मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर दिए हैं। अभी इसके आर्म होल पर भी हमें तिरछी पट्टी अटैच कर देनी है। पूरे आर्म होल पर तिरछी पट्टी को रखते हुए हमें इसे सिलाई लगा देनी है और इसे डबल फोल्ड करते हुए हम इसमें अंदर की साइड मोड़ देंगे। ये मैंने दोनों आर्म होल पर पट्टी अटैच कर दी है। अभी हम फ्रंट पार्ट में बॉटम पार्ट में कट लगाएंगे। एक साइड से हमें 6 इंच पर एक निशान लगा देना है। हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही कट लगाना है। 6 इंच तक हम निशान लगाएंगे। और नीचे तक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। और इसे हम कट कर देंगे। ये मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी इसकी बॉर्डर को हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड से हमें इसकी बॉर्डर को 2 फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम इसे हमारे फ्रंट पार्ट पर अटैच कर देंगे। इस तरह से रखते हुए हमें दोनों पार्ट को अटैच कर देना है और सिलाई लगा देनी है। और बॉटम पार्ट को भी हम बैक साइड से अटैच कर देंगे। बैक पार्ट को भी हम अटैच कर देंगे। ये मैंने बैक पार्ट को अटैच कर दिया है। अब फ्रंट पार्ट को भी मैंने अटैच कर दिया है। अभी हम इसे उल्टा कर देंगे और साइड से 2 इंच का गैप देते हुए हम इसे नीचे तक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाते हुए हम इसकी फिटिंग कर देंगे। दोनों साइड से हमें इसकी फिटिंग कर देनी है। और नीचे की बॉर्डर को भी हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है पूरे राउंड में। ये मैंने इसकी बॉर्डर को भी फोल्ड कर दिया है और इसकी फिटिंग भी मैंने कर दी है। अभी इस पर हम बटन्स अटैच करेंगे। आप इसके ऊपर फैब्रिक बटन्स भी अटैच कर सकते हैं। ये मैंने इसके ऊपर बटन्स अटैच कर दिए है। तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारी डिज़ाइनर साइड स्लिट कुर्ती। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। अभी हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।